लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। देश की 17 जिलों में भारी बारिश की आशंका, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। 4 अक्टूबर से लखनऊ से दौड़ेगी देश की पहली निजी ट्रेन तेजस। इंतजार खत्म, जल्दी इसरो पैनल विक्रम लैंडर की रिपोर्ट करेगा साझा। हरियाणा में निर्माणाधीन बिल्डिंग में 5 लोगों के शव मिलने से हड़कंप। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश की 17 जिलों में भारी बारिश की आशंका, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। 4 अक्टूबर से लखनऊ से दौड़ेगी देश की पहली निजी ट्रेन तेजस। दिल्ली लखनऊ के बीच चलने वाली देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से संचालित की जाने वाली इस ट्रेन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले महीने 4 अक्टूबर को लखनऊ से हरी झंडी दिखाएंगे। इंतजार खत्म, जल्द ही इसरो पैनल विक्रम लैंडर की रिपोर्ट करेगा साझा। इसरो के मिशन चंद्रयान को लेकर आज अहम रिपोर्ट जल्दी सामने आ सकती है। चांद की जिस हिस्से पर विक्रम लैंडर क्रैश हुआ था वह शाम होने में अब महज 2 दिन का समय बाकी है। हालांकि इस क्रैश लैंडिंग के बाद भी इसरो ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है और लगातार लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा में निर्माणाधीन बिल्डिंग में 5 लोगों के शव मिलने से हड़कंप। हरियाणा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ निर्माणाधीन बिल्डिंग में 5 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। यह बिल्डिंग हरियाणा के झज्जर में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि इन लोगों की हत्या किन वजह से हुई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए MNS News के साथ। नमस्कार।